गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय सेल्फ उज्ज्वल। टुडे वी आर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ टू डिजिट नंबर 11 बिटवीन 11 टू 99। पर उसके पहले अपने को पता होना चाहिए 1 से लेकर 10 का क्यूब पता होना चाहिए, जैसे कि 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। ये क्यूब अपने को पहले से ही लर्न करना पड़ेगा, तभी जाके अपन 11 से लेके 99 का क्यूब अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं अपन 12 का क्यूब, जिसके आगे 1 है, ऐसे नंबर का क्यूब कैसे फाइंड आउट करना है। सपोज यहाँ पे 12 का क्यूब निकालना है, तो यहाँ पे 4 प्लेसेस काउंट करना है, देन पहला प्लेस, पहले प्लेस पे 1 लिखना है एज इट इज, सेकंड प्लेस पे 2 लिखना है, ओके, देन सेकंड प्लेस का 2 जो है इसका क्या निकालना है, क्यू स्क्वायर निकालना है, कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, ओके, देन इसी 2 का क्यूब निकालना है, 2 का क्यूब कितना है 8, सो राइट डाउन 8, ओके। तो ये फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर है, इसको कैंसिल करना है, और बीच के जो नंबर है उसका क्या करना है, डबल करना है। तो 2 का डबल कितना होता है 4, 4 का डबल 8, बाद में इसकी एडिशन करना, कितना होगा 8, 4 प्लस 8 कितना होगा 12, 12 का 2 यहाँ पे लिखना है, 1 यहाँ पे कैरी करना है, ओके, देन 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7 और देन 1, सो ये होगा उसका आंसर 1728 is the answer of this 12 cube. And let we will see another example. For example, 50 cube. So I said to you, कितने इसमें divide करना है? 4 इसमें इसको divide करना है. तो first क्या है? 1 as it is. Second number 5 as it is. Okay. Then second number का मैंने क्या बोला था? Square निकालना है. 5 का square कितना होता है? 25. Okay. देन इसी 5 का क्यूब निकालना है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, सो राइट, देन फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को कैंसिल करना है, ओके, देन जो बीच के नंबर है इसको क्या करना है, डबल करना है, 5 का डबल कितना होता है 10, सो राइट ऑन 10, देन 25 का डबल कितना होता है 50, सो राइट ऑन 50, देन ये जो है एक सिंगल डिजिट नंबर काउंट करना है, तो इसका सिंगल डिजिट नंबर क्या आता है 5, और ये जो 12 है वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है, ओके, तो इसकी बाद में एडिशन करना है, 50 प्लस 25 75, और 75 प्लस यहाँ का 10 कितना होता है 85, और ये 2, 85 प्लस 2 87, 87 का 7 राइट डाउन, देन 8 कैरी, देन 8 प्लस 5 कितना था 30, 13 प्लस 10 23, 23 का 3 राइट डाउन 2 कैरी, देन 2 प्लस 1 3, सो आंसर इज 3375 इज द आंसर ऑफ 50 क्यूब। अभी सेकंड टाइप के देखेंगे, जो 1 इसके पहले 1 कहां पे था, आगे था 10 प्लेस पे था, अभी 1 1 प्लेस पे रहेगा, ऐसे नंबर का क्यूब निकालना है, तो ऐसे नंबर के क्यूब कैसे निकालेंगे इसकी मेथड देखेंगे। तो 21 का क्यूब निकालना है, मैंने क्या बोला 4 इसमें डिवाइड करना है, ओके, 1 कहाँ है लास्ट है, तो इधर लास्ट नंबर पे 1 लिखने का, देन 10 प्लस पे 2 है तो यहाँ पे लिखने का, देन जो 2 है 10 प्लस पे इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, देन 2 का ही क्यूब निकालना है, कितना होता है 8, सो राइट डाउन, और सेकंड स्टेप क्या था, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को कैंसिल करना है, ठीक है, और बीच के जो नंबर से इसका क्या करना है डबल करना है, 2 का डबल कितना होता है 4, 4 का डबल 8, देन एडिशन 1, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 8 12, 12 का 2 1 यहाँ पे क्या है, देन 1 प्लस 8 कितना होता है 9, सो 9261 इज द आंसर। अभी अपन थर्ड टाइप देखने वाले हैं, जिस ये नंबर इस टाइप में दोनों नंबर सेम होते हैं, जैसे कि 22
33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 and 11। इस तरह के नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे, इसके भी अलग मेथड है। चलो देखते हैं। सो 22 का क्यूब निकालना है तो इसको क्या करना है, चार नंबर इसमें डिवाइड करना है। ओके, तो 2 का क्या, यहाँ पे 2 का क्यूब लेना है 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, मतलब चारों इसमें क्यूब ही लेना है 2 का। ओके, और फर्स्ट और लास्ट नंबर का क्या करना है, कैंसिल करना है और इसका डबल करना है। 8 का डबल कितना होता है 16, 8 का डबल 16। ओके, देन 8 एज इट इज, 8 6 3 कितना होता है 24, 24 का 4 एंड डन 2, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 16 26, 26 का 6 2 एंड डन कैरी फॉरवर्ड, 2 प्लस 8 10, सो 10,648 इज द आंसर ऑफ दिस 22 क्यूब। अदर एग्जांपल 55 का क्यूब, तो इसको चार इसमें डिवाइड करना है और 5 का क्यूब कितना होता है 125, राइट 120, अगेन 125, 5 का क्यूब 125, 125, फर्स्ट और लास्ट नंबर क्या करना है, कैंसिल, फर्स्ट और लास्ट नंबर कैंसिल करना है और इसका बीच के नंबर का क्या करना है, डबल, कितना होता है डबल 125 का डबल 250, इसका भी डबल कितना होता है 250, और यहाँ पे सिंगल डिजिट लिखना है, इसका सिंगल डिजिट कौन सा होगा 5 और 12 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है। ओके, तो 250 प्लस 150 125 कितना होगा 375, कितना होता 370, 375 प्लस 10 कितना होगा 385 प्लस 2 387, 387 का यहाँ पे 7 लिखना है और 38 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है। ओके, देन 250 प्लस 125 कितना होता है 375 में 30 ऐड करना है, कितना होता है 405 में 8 ऐड करना है, कितना होगा 430 का 3 लिखना है और 41 कैरी करना है। ओके, देन यहाँ पे 125 में 40 ऐड करना है, कितना होता है 165 प्लस 1 कितना होता है 166, सो इज द आंसर 1,66,375 इज द आंसर ऑफ 55। डिफरेंट है, ऐसे नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे ये अपन अभी ये मेथड देखेंगे। ओके, 26 का क्यूब निकालना है तो 26 का क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सो 4 इसमें डिवाइड करना है 4 प्लेसेस में। ओके, फर्स्ट नंबर इज 2, सेकंड नंबर क्या है 6 है, तो फर्स्ट 2 का क्या निकालना है क्यूब कितना होता है 8, 8 कहाँ पे लिखना है फर्स्ट प्लेस पे, और 6 का क्यूब कितना होता है 260, वो कौन से प्लेस पे फोर्थ प्लेस पे लिखना है। ओके, देन जो फर्स्ट नंबर 2 है 2 का क्या करना है स्क्वायर करना है, स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इंटू क्या करना है सेकंड नंबर 6 कितना होता है 4 इंटू 6 24, सो 24 राइट डाउन इन सेकंड पोजिशन। ओके, देन सेकंड नंबर कौन सा है 6, 6 का क्या करना है स्क्वायर निकालना है, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 2 कितना होता है 36 इंटू फर्स्ट नंबर 2 कितना होता है 72, सो राइट इन थर्ड प्लेस। ओके, देन फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को कैंसिल करना है और बीच के नंबर को क्या करना है डबल, 72 का डबल कितना होता है 144, 24 का डबल 48, जो 216 का यहाँ पे सिंगल नंबर लिखना है, सिंगल नंबर कौन सा है 6 और 21 कैरी फॉरवर्ड। ओके, देन यहाँ पे 144 है इसको कंसीडर करेंगे 140 अप्रोक्सीमेट वैल्यू,
140 प्लस 70 कितना होता है 210, 210 प्लस 20 कितना होता है 230 एंड 4 234 एंड प्लस 2 236 एंड 1 237, सो 237 का 7 लिखना है और 23 राइट डाउन कैरी फॉरवर्ड, देन 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 8 88, 88 प्लस 4 92, 92 प्लस 3 कितना होता है 95 राइट डाउन 9 कैरी फॉरवर्ड, 9 प्लस 8 17,576 is the answer of 26 cube. Got it? Thank you for watching this video. जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए.